अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं लहसुन और लाल भाजी इस कंटेनर में रोपने जा रही हूँ, जो आप लोगों को बता रही हूँ किस तरह से रोपाती है। लहसुन और लाल भाजी साग जो होती है लाल भाजी, वो मैं इसमें रोपने जा रही हूँ। देखिए ये हमारी मिट्टी बहुत अच्छी पोरस है। देखिए ये लाल भाजी का बीज है, इसे मैं एक मुट्ठी इस प्लेट में रखकर इसमें बर्मी कंपोज मिला दी हूँ। अब बर्मी कंपोज मिक्स करके इसे अच्छे से मिक्स कर और इसे मैं इस कंटेनर में छीटूंगी, इस तरह से डालूंगी। देखिए इस तरह से मैं डाल रही हूँ। इस तरह से आप लोग भी अगर लगाना चाहती हैं लाल भाजी, तो बर्मी कंपोज में बीज को मिला लीजिए, उसकी दाना को मिलाकर इस तरह से छिड़क कर। मैं हमेशा डालती हूँ इस तरह के छिड़क कर, लेकिन ये पहली बार मैं बर्मी कंपोज मिलाकर इसमें डाल रही हूँ। देखती हूँ इसकी कैसी रिजल्ट आती है, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, हो जाएगी तो इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी। होने के बाद ऊपर से मिट्टी छिड़क देना है। मिट्टी भी अच्छी रहनी चाहिए, कोई चीज़ भी लगाने के लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से चारों तरफ से मिट्टी छिड़क दे रही हूँ। थोड़ा बड़ी बड़ी जो है वो मिट्टी को हटा दे रही हूँ। उसके बाद हाथ के सहारे से इस तरह से मैं पानी छिड़क रही हूँ सभी में। इसी तरह से हाथ से मैं डाल दूँगी, डायरेक्ट ये मग से नहीं डालना है पानी, नहीं तो इसकी बीज इधर उधर हो जाएगी। इस तरह से हाथ से ही मैं डाली हूँ, खूब अच्छे से डाल देना है पानी। देखिए ये डला गई है, मैं चलती हूँ लहसुन को रोपने। देखिए इस तरह से लहसुन को रोपना है। इस तरह से मैं सभी में चारों तरफ उसकी पूंछ जैसी निकली हुई है वो ऊपर रहेगी और सर जैसी है वो नीचे रहेगी, उसको नीचे रखकर इस तरह से मैं उंगली से छेद करके इसे लगा रही हूँ। ये भी हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगी। इस तरह से रोपना है, थोड़ा थोड़ा दूरी में, 1-1.5 इंच की दूरी में इस तरह से रोप देना है। इसमें थोड़ा हल्दी भी मैं डाली थी, अब ऊपर से थोड़ा मिट्टी भी मैं इसमें छिड़कूंगी। देखिए इस तरह से रोपना है। सभी में रोपा गई है, अब ऊपर से थोड़ा हल्की मैं मिट्टी छिड़क दे रही हूँ। उसी तरह मैं इसमें भी पानी डाल दूंगी। देखिए पानी डालकर और इसे मैं अच्छे से दोनों में पानी डाल दी हूँ और इसे ढक दूंगी। इसे मैं इस तरह से ढक दे रही हूँ, यहाँ बहुत ठंड है। और देखती रहूँगी इसे खोल खोल कर, 1-2 दिन में निकल जाएगी तो इसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
दोनों को मैं ढककर छोड़ दूंगी। देखिए इस तरह से, उसके बाद 4-5 दिन में मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए ये 5-6 दिन का ये रिजल्ट है। देखिए लहसुन कितनी अच्छे से निकल गई है। देखिए जितना रोपी थी सारा निकल गई है। देखिए कितने अच्छे से निकली है। लाल भाजी भी मैं रोपी थी, वो भी निकल गई है। अभी बहुत छोटी छोटी है मगर निकल गई है, बहुत अच्छे से निकली है। पहली बार मैं वर्मी कंपोस्ट डालकर लगाई थी लेकिन इसकी रिजल्ट मुझे बहुत अच्छी मिली है। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर लगाइएगा, बीज में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ऐसे छिड़किएगा जैसे मैं रोपी हूँ, उस तरह से रोप कर देखिएगा, बहुत अच्छे से ये निकलेगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। लाल भाजी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए हमारी वीडियो अच्छी लगी है या हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह।